आखिरकार क्या हुआ है ऐसा कि बीटीएस के फैंस भड़क गए हैं? देखिए, आज की युवा पीढ़ी बीटीएस की जबरदस्त फैन है। ऐसे में बीटीएस ग्रैमी के लिए नॉमिनेट तो हुए, लेकिन बस एन मौके पर जाके मानो अवार्ड हाथ से छूट गया। क्यों ऐसा हुआ, SBS ओरिजिनल्स बता रहा है आपको। वो कहते हैं ना कि किसी कलाकार की असली कमाई ना तो पैसे होते हैं और ना ही अवार्ड्स, बल्कि उसकी असली कमाई होती है उसके फैंस। और लगता है कि इंटरनेशनल म्यूजिक बैंड BTS ने अपनी कमाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। बीती रात जब BTS को ग्रैमी अवार्ड्स में दरकिनार कर दिया गया, तो BTS आर्मी और फैंस ने इंटरनेट के जरिए ग्रैमीज पर धावा बोल दिया और ग्रैमीज को बना दिया स्कैमीज। ये पहला मौका नहीं है कि BTS के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार जब BTS को ग्रैमीज में वो सराहना नहीं मिली जो फैंस चाहते थे, तो फैंस ने अपने चहीते कलाकारों के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। वैसे फैंस के इस रिएक्शन पर BTS का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया भर के फैंस के साथ इंडियन फैंस भी BTS को चाहते हैं, और इस बात का सबूत खुद AR रहमान भी हैं, जो ग्रैमीज में मौजूद थे अपने बेटे के साथ, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी BTS की झलक थी। चलिए, ग्रैमीज के ऊपर फैंस के गुस्से की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन जाते जाते इंडियन आर्टिस्ट के लिए गुड न्यूज, वो ये कि इंडो अमेरिकन फाल्गुनी शाह और फालू को ग्रैमीज में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।